नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चाहने और समर्थक मुख्यमंत्री सोरेन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सीएम आवास के बाहर इकट्ठा हुए हैं। सीएम हाउस के बाहर अलग अलग वेशभूषा में पहुंचे अपने कार्यकर्ता उनके समर्थक में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके समर्थक अलग अलग तरीके से अपना रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री सोरेन के फोटो प्रिंट वाले पोशाक पहनकर सीएम आवास के बाहर पहुंचे, कोई तीर धनुष लेकर, कोई ढोल नगाड़े और मांदर के साथ बधाई देने पहुंचा है। सभी अपने अपने तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने सीएम आवास के बाहर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह सीएम आवास के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह कार्यकर्ताओं में उमंग देखी जा रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं और कई अलग अलग वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सीएम आवास के बाहर कई कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। सीएम हाउस के बाहर अलग अलग वेशभूषा में पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके समर्थक अलग अलग तरीके से अपना रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फोटो प्रिंट वाले पोशाक पहनकर सीएम आवास के बाहर पहुंचे, कोई तीर धनुष लेकर, कोई ढोल नगाड़े और मांदर के साथ बधाई देने पहुंचा है। आप तमाम अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख सकते हैं, आप सजावट भी देख सकते हैं, गेट को किस तरीके से सजाया गया है। सभी अपने अपने तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने पहुंचे हैं। मैं रांची महानगर का पूर्व प्रवक्ता हूं, नाम मंटू लाला है और हेमंत जी को आज मैं ये तीर धनुष भेंट करना चाहूंगा, क्योंकि आने वाला चुनाव में हमारे जो विपक्षी दल है उनको बस इससे उड़ा देना है, साफ कर देना है। पूरा निशाना आपको कमल पे ही दिख रहा होगा, अभी यहाँ पर जाके कमल भी फिट किया जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, और इसको उड़ाने का काम किया। तीर धनुष आपने से बनाया है? हाँ, अपने से बनाया है। तोहफा देने के लिए आए हैं? तोहफा देने आए हैं, हर साल आते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेने आए है ना, और हर साल उनका आशीर्वाद मिलता है। और जय झारखंड, समझ लीजिए मित्र है हमारे, भाई नहीं, दोस्त नहीं, मित्र। मुलाकात होगा? बिल्कुल होगा मुलाकात। जय झारखंड, जय भारत। जिले के नगर भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आदिवासी दिवस मनाया गया। प्रधान कार्यालय आजसू पार्टी के नेतृत्व में आदिवासी ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया। वहीं लोहरदग्गा बीएस कॉलेज स्टेडियम सभागार में प्रार्थना समिति के जिलाध्यक्ष सोमदेव उड़नाव के नेतृत्व में समस्त आदिवासी संगठनों द्वारा आदिवासी दिवस पर भव्य समारोह आयोजित की गई। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों को अंगवस्त्र और पौधा देकर सम्मानित किया गया। वहीं पर जन जागृति पुस्तक का विमोचन किया गया। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक समीर तिर्की, अपर समाहर्ता जीप सदस्य राधा तिर्की, वशिष्ठ अतिथि राज्य मंत्री स लोहरदग्गा विधायक पुत्र रोहित समेत समाज के भारी संख्या में गणमान्य उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि रोहित उड़नाव ने पूरे राज्यवासियों को बधाई देते हुए 9 अगस्त 1994 को संयुक्त राष्ट्र में आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा हुई, तब से पूरे विश्व में आदिवासी परंपरा को कायम रखते हुए हर साल उमंग के साथ ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1994 को 9 अगस्त को मनाने की घोषणा की, तब से पूरे विश्व में जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे किसी देश में हो, इस दिन को आदिवासी दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। झारखंड में हम लोग जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, इसी परंपरा को कायम रखते हैं, हम लोग भी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं लोहरदगा में। और हमारे समाज की जो समस्याएँ हैं, हमारे पूरा समाज साथ मिलकर उनसे जूझेगा और निश्चित ही सफलता हासिल होगी। समस्याएं तो हर समाज में रहती है, और
हल भी उसी समाज के लोग करते हैं। इसी दृढ़ सर्कल के साथ हमें ये आदिवासी दिवस मनाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय नटवर सिंह ने मई 2004 से दिसंबर 2005 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। उनका निधन दुखद है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चीर शांति और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में आयोजित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में वक्फ बोर्ड से जुड़े विधेयक और आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने का बिल लाया गया है, जो सरकार की नफरत भरी मानसिकता का प्रतीक है। तेजस्वी यादव ने कहा, यह सरकार सिर्फ नफरत फैलाने वाली बिल लाती रहती है। भाजपा नीतीश एनडीए सरकार ने सीएए, एनआरसी और वक्फ बोर्ड जैसे बिल लाकर देश में ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दी है। इनका उद्देश्य अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, सिखों, दलितों और गरीबों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाना है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए सरकार कभी पढ़ाई, कभी दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और गरीबी, बेरोजगारी को पलायन जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती। वो केवल जोर तोड़, सत्ता में बने रहने, नफरत फैलाने का काम करते हैं और अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। तेजस्वी यादव ने किसानों, मुसलमानों, गरीबों और बेरोजगार युवाओं पर केंद्र सरकार के रवैये की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, जब इनकी नीतियों का विरोध किया जाता है तो ये लोग किसानों को खालिस्तानी, मुसलमानों को आतंकवादी, गरीबों को नक्सली और बेरोजगार युवाओं को उपद्रवी करार देते हैं। लेकिन हमारी पार्टी इन सांप्रदायिक ताकतों से बिना कोई समझौता किए, बिना झुके सदा इनकी विभाजनकारी नीतियों के विरुद्ध मजबूती से लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा वार्षिक हॉस्टल डे में हुए शामिल और इस दौरान छात्र छात्राओं ने उपमुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। कभी भी सफलता के लिए शॉर्टकट रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो हम अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगन और ईमानदारी के साथ उस दिशा में लग जाना चाहिए। कड़ी मेहनत से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, सफलता हासिल की जा सकती है, जबकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुकाम प्राप्त करने के बाद बैठ जाना ये सफलता नहीं है, बल्कि उस विषय में दक्षता, महारत हासिल होना चाहिए, साथ ही उस लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उप मुख्यमंत्री शर्मा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभाकक्ष में आयोजित शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल डे को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा भी इस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस जनों ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में पटाखे फोड़कर और माला पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने स्थानीय सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने यहां राजनांदगांव कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए उनसे राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। वहीं आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ता को जुट जाने को कहा। इस दौरान अगस्त क्रांति दिवस पर
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में शहीद स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने पुष्प चक्र अर्पण कर देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज राजनांदगांव पहुंचे हैं और उन्होंने इस दौरान कांग्रेस जनों ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में पटाखे फोड़े और माला पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने स्थानीय सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल भी हुए। आपको बता दें, आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ताओं को जुट जाने को भी कहा गया। इस दौरान अगस्त क्रांति दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में शहीद स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने पुष्प चक्र अर्पण कर देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। हम लोग सभी वार्डों में कि हम लोग संविधान दिवस के रूप में हमारे पूरे सभी कार्यकर्ता सभी वार्डों में भ्रमण भी करेंगे और 16 तारीख को हम लोग का फिर एक प्रदर्शन हो रहा है। जो मवेशियों को इस सरकार ने खुले छोड़ दिया गया है, जहां किसानों के खेत को नुकसान पहुंचा रहे और सड़कों पर आ रहे, जहां एक्सीडेंटल से सीधी सीधी मौतें हो रही है, सरकार का मवेशियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि 16 अगस्त को ब्लॉक और जिला मुख्यालय में सभी मवेशियों को लेकर ऑफिसों में हम लोग छोड़ने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुई झमाझम बारिश के चलते जनजीवन बेपटरी हो गई। कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया तो वहीं कई जगहों के छोटे छोटे पुलों पर पानी होने से आवागमन बंद हो गया था। वहीं बारिश के पुलिया बहने से बस्ती खुर्द गांव का संपर्क टूट गया, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक वहां कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुई झमाझम बारिश के चलते जनजीवन बेपटरी हो गई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से वहां जलभराव का ये मामला दिखाई दे रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। लोग वहां खड़े होकर चुपचाप ये नजारा देख रहे हैं। अभी तक इस मामले में उनकी कोई भी मदद नहीं की गई है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि वहीं बारिश से पुलिया बहने से बढ़ती खुर्द गांव का संपर्क टूट गया है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी आपको बता दें, अभी तक उन तक कोई भी मदद नहीं पहुंच पाई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोग बेबस नजर आ रहे हैं। वो चुपचाप इस नजारे को देख रहे हैं क्योंकि उन तक अभी तक कोई मदद पहुंच नहीं पाई है। वो खुद को एक बिल्कुल बेबस महसूस कर रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जलभराव का ये भयंकर डरावना मामला। स्कूल शिक्षा विभाग प्रतियोगिता के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय वॉलीबॉल चयन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां जिले के 4 ब्लॉक से बालक बालिका जूनियर सीनियर टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस चयन प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बालक बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिले के डोंगरगांव, छुरिया, डोंगरगढ़ और राजनांदगांव ब्लॉक की टीमों ने इस चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए अपने खेल कला का जौहर दिखाया, जलवा दिखाया। इस चयन प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर खेल
प्रशिक्षक डॉक्टर ममता गुप्ता ने बताया कि इस एक दिवसीय चयन प्रतियोगिता के माध्यम से वॉलीबॉल की संभाग स्तरीय टीम बनाई जाएगी। इस प्रतियोगिता से जूनियर सीनियर वर्ग के 12-12 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। टूरा जिला प्रतियोगिता स्कूल साले स्कूल प्रतियोगिता का और संभाग स्तरीय के लिए चयन हो रहा है। ये स्कूल के मिनी जूनियर और सीनियर के बच्चे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसमें से 12-12 लोगों का चयन किया जाएगा। इसमें 4 ब्लॉक ने भाग लिया है, 4 डोंगरगांव है, छुरिया है और डोंगरगढ़ है और राजनंदगांव है, और चारों से तीनों 14, 17 और 19 की टीम आई है गर्ल्स बॉयज़ दोनों, और इसमें से सिलेक्शन होगा। उसके बाद संभाग स्तरीय के लिए लोग बेमेतरा में संभाग है और कवर्धा में संभाग है, उसमें खेलने जाएंगे। कितने दिन का सिलेक्शन है? आज का है, एक दिन का ही है, एक दिन में सिलेक्शन करना है। शुभ नाम है? मेरा नाम ममता गुप्ता है, डॉक्टर ममता गुप्ता है। ग्वालियर जिला के डबरानगर के सिमरिया टेकरी स्थित निजी सेंट पीटर स्कूल एक बार फिर धर्म परिवर्तन को लेकर सुर्खियों में आया है। आपको बता दें, शहर में एकमात्र ईसाई मिशनरी के द्वारा संचालित स्कूल है ये। इस स्कूल में पहले भी धर्म परिवर्तन के मामले आते रहे हैं। पिछले साल बाल संरक्षण आयोग भोपाल की टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की थी, तब स्कूल में धर्म परिवर्तन से जुड़ी सामग्री पाई गई थी। वहीं स्कूल के सफाई कर्मचारी मनोज बाल्मीकि ने प्राचार्य आशा बेन पर एक बार फिर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है, और उसने बताया कि एक बार पहले भी स्कूल में प्राचार्य एक कर्मचारी का धर्म परिवर्तन करवा चुकी है। इस पूरे मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल घेराव की सूचना मिलते ही तहसीलदार विनीत गोयल और सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल ने अपने दल बल के साथ वहां मौके पर पहुंचे। वहीं पूरे मामले पर पीड़ित मनोज बाल्मीकि ने प्रशासन को आवेदन देकर शिकायत की, और धर्म परिवर्तन के मामले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन को देकर एक दिन में स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया और पीड़ित को न्याय नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन स्कूल पर क्या कार्रवाई करती है। जब मामले को लेकर तहसीलदार और थाना प्रभारी से बातचीत की गई तो इस मामले पर चुप्पी साध ली गई। आपको बता दें, दबी जुबान में कहा गया हमारे वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर अपना बयान देंगे। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में बीती रात 3 जगहों पर चोरों का आतंक देखने को मिला। दोनों जगह एक ही रात चोर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस को भनक तक नहीं लगी। तीनों घटनाएं थाना क्षेत्र के हाईवे के किनारे स्थित शोरूम और दुकान की है। आपको बता दें, रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। एक साथ रात में 3 जगहों पर चोरों का आतंक देखने को मिला है। दोनों जगह एक ही रात चोर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस को भनक तक नहीं लगी इस बात की। तीनों घटनाएं थाना क्षेत्र के हाईवे के किनारे स्थित शोरूम और दुकान का है। आपको बता दें, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह लोग एकदम सहमे से हुए हैं, जैसे कि अचानक क्या हो गया, और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। रायबरेली के डी थाना क्षेत्र में वर्तमान प्रधान ने साथियों के साथ पूर्व प्रधान और भट्टा व्यवसायी पर सरिया लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस दौरान हमलावरों ने पूर्व प्रधान का सिर फोड़ दिया, साथ ही दोनों हाथ तोड़ दिए। घटना की जानकारी पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर फरार हो गए। प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। घायल पूर्व प्रधान को जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। घायल के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मौजूदा प्रधान समेत 5 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कर लिया है।
बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिहादियों द्वारा की गई धर्म के नाम पर हिंसा कोई आंदोलन नहीं बल्कि महिलाओं बच्चों और हिंदुओं के संहार की साजिश है। 124 जिहादियों द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार, बच्चों की हत्या कर लाश को लटकाना, मंदिरों को जला देना और हिंदुओं का संहार भारत के लिए चिंता और चेतावनी का सबक है। अपने ही देश की महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना के अंत वस्त्र और लहराकर उसको पूरी दुनिया के सामने दिखाना दुनिया की महिलाओं को शर्मसार करने वाले जिहादियों के खिलाफ सामाजिक संगठनों और महिलाओं का गुस्सा फूटा है। विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे सड़क पर उतरकर सुभाष भवन से प्रेमचंद स्मृति द्वार तक सुरक्षा मोर्चा निकाल रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी ये देख सकते हैं। विशाल भारत संस्थान की बेटियों ने ड्रम बजाकर दुनिया की बाहरी सरकार को बांग्लादेश में महिलाओं की चित्कार को सुनाने का प्रयास किया। महिलाओं में बांग्लादेश की घटना को लेकर क्रोध और पीड़ा थी। इस अवसर पर बांग्लादेश जिहादियों का बांग्लादेशी जिहादियों का पुतला भी फूंका गया। से हिंदुओं के साथ संहार हो रहा है, क्या हिंदू हिंसक है, इस्लामिक जिहादी हिंसक है या हिंदू हिंसक है? आज पूरी दुनिया की सरकारें मौन तोड़े और आज हम सभी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करके ये बताया है कि बांग्लादेश की महिलाएं हो, पाकिस्तान की महिलाएं हो या भारत की महिलाएं हो, अगर इस तरह के अत्याचार होंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। जो अत्याचार किया जा रहा है उसके लिए हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। बांग्लादेशी जो है उन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है और उन्होंने उन बच्चों के ऊपर अत्याचार किया जिन्होंने जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, जो बेकसूर थे। आज हम लोगों ने बांग्लादेशी जिहादियों का विरोध किया है, उसका पुतला फूका है। साथ में हिंदू मुस्लिम बहनें और भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूरे भारत को जताना चाहते हैं कि जो संगठन चुप है, खामोश है इन सारी चीजों पर, वो अब जागरूक हो और जागे। अगर वहाँ अत्याचार होगा तो यहाँ के मुसलमान नहीं सहेंगे और पूरे विश्व के अल्पसंख्यक जो है उनके साथ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर कानपुर देहात के कस्बा झिंझक में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची रसूलाबाद क्षेत्र की बीजेपी विधायक पूनम संखवार ने यात्रा का शुभारंभ भोलानगर से किया। बाइक पर तिरंगा यात्रा झिंझक मुख्य मार्ग से होते हुए किशोरा गांव के समीप समाप्त हुई। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक अनमोल गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों लोग यात्रा में सम्मिलित होकर भारत माता जय के नारे लगाते हुए भी दिखे। आज पूरे देश में और पूरे प्रदेश में और पूरे हमारे कानपुर देहात में हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाल करके हम लोगों ने ये संदेश देने का काम किया है कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो ये तिरंगा ही हमारी शान है और तिरंगा ही हमारी जान है। इस तिरंगा के लिए करो या मरो, इस तिरंगा के ही सारे हम लोग आज से तिरंगा यात्रा निकाला है और ये 15 अगस्त को लाल किले से ये तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हम भाई भाई, हमारा पूरा भारत देश एक है और इस भारत के लिए हमारा एक एक व्यक्ति यदि ये प्राण की निछावर भी देनी पड़े तो ये पूरा भारत अपने प्राण की आहुति भी देने के लिए तैयार। मुरादाबाद में दादी को कंधों पर बिठाकर कावड़ के लिए चला पोता, एक तरफ दादी को दूसरी तरफ उनके वजन का गंगाजल। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को शिवालयों पर जल अभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त ब्रज घाट से गंगाजल लेकर रवाना हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद के दिल्ली रोड मार्ग पर अनोखी कावड़ देखने को मिली, जिसमें मुरादाबाद निवासी एक पोता दादी को कंधों पर बिठाकर ब्रज घाट से कावड़ लेकर चल पड़ा। इस कावड़ में एक तरफ दादी को बिठा रखा था जबकि दूसरी तरफ उनके वजन के बराबर गंगाजल कावड़ में था। मुरादाबाद से होकर लाखों शिव भक्त ब्रज घाट और हरिद्वार कावड़ यात्रा और जल लेने के लिए जाते हैं। सावन का आखिरी
सोमवार भी नजदीक है। इसी क्रम में लाखों की तादाद में शिव भक्त कावड़ और जल लेने निकले हैं और अब काफी लोगों की जल और कावड़ यात्रा लगभग पूरी हो गई है और रविवार शाम तक सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में पहुंच जाएंगे और सोमवार सुबह जल अभिषेक कर देंगे। ऐसे में एक अनोखी कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में देखी गई, जहां एक कांवड़िया अपनी दादी को कंधे पर बिठाकर कांवड़ यात्रा ब्रजघाट से मुरादाबाद ला रहा था। मुरादाबाद निवासी मनीष ने कांवड़ में एक तरफ दादी को बिठा रखा था और दूसरी तरफ कांवड़ के उनके वजन के बराबर गंगा जल रखा हुआ था। एक तरफ देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की ओर अग्रसर है, दूसरी तरफ उत्तराखंड में कांडा क्षेत्र के तुल्ला तिपुला गांव की नारी शक्ति असंवेदनशील और गैर जिम्मेदारी सरकारों और जनप्रतिनिधियों को 77 सालों से झेल रही है। मुल्ला तुल्ला तिपुला तक 4 किमी सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। बागेश्वर के पूर्व विधायक स्वर्गवासी चंदन राम दास के कार्यकाल में भारत सरकार से स्वीकृति हुई सड़क अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाने के कारण तल्ला तिपुला की महिलाओं को गांव में बीमार हुए मरीजों को डोली के माध्यम से पहाड़ के पकडंडी के सहारे नदी पार करने को मजबूर उन्हें होना पड़ रहा है। ग्रामीण महिलाएं जान हथेली पर रखकर पहाड़ की पकडंडी और नदी पार कर रही हैं। तल्ला तिपुला गांव के हालात इतने नाजुक हैं, आपको बता दें कि गांव तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। गांव में डोली उठाने के लिए भी कोई पुरुष नहीं बचे हैं। पहाड़ से हुए पलायन के बाद महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। बागेश्वर प्रशासन ग्रामीण इलाकों में दवाइयां पहुंचा पाने में फेल है। कांडा कमसियार की बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य केंद्र कांडा में भरोसे से जी रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग बागेश्वर सड़क से दूर गांव में दवा और डॉक्टर नहीं पहुंचा पा रहा है। पहाड़ की विषम परिस्थितियों में महिलाओं का हौसला सहारनीय देखा जा रहा है। भारी बारिश से जहां देश के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में बारिश के साथ साथ लगातार हो रही लैंडस्लाइड से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड का मलबा आ जाने से कई सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग और छिनका में भी भारी बारिश के कारण यातायात प्रभावित है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें 24 मुख्य सड़क मार्ग बंद चल रहे हैं, जिनको खोलने का काम भी लगातार जारी है। फिलहाल स्टेट बुलेटिन में इतना ही।